जी व्यूअर्स, मेरे साथ मौजूद हैं एक एजुकेशनिस्ट हैं और यहाँ दरबंद के शहरी हैं और क्रिकेटर भी हैं ये, तो बाकी सुनते हैं जी जेपीटी की ये काविश और इनकी कहानी सुनते हैं इन्हीं की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम आजम साहब। बहुत शुक्रिया सर आज न्यूज़ को टाइम देने का। तो क्या कहेंगे जेपीटी की ये काविश है, हर तरफ रंगीनियाँ हैं, हंसते मुस्कुराते चेहरे नौजवानों के और ज़बरदस्त किस्म की ये काविश, और स्पेशली यहाँ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी दरबंद के जो लोग हैं उनके लिए क्या जज्बात हैं आपके? अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जेपीटी, आपने हमारे इलाके को तरजीह दी और इतनी इज्जत बख्शी। आप ये कावश क्रिकेट की प्रमोशन के लिए हमारे इलाके के जेपीटी की जो है इसको हम सराहते हैं, और इंतजामी जो कमेटी थी इसमें तज़ीम शाह, एजाज और रईस ने दिन रात एक करके ना धूप देखा ना बारिश को देखा, मौसम की सख्ती जो थी दिन रात एक करके इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इसको ऑर्गेनाइज किया। हम अप्रिशिएट करते हैं इसको और बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक अच्छे माहौल में ये सारी चीज़ें अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रही हैं। सर आप चूंकि क्रिकेटर भी हैं और इसके साथ साथ टीचर हैं, तो आप ये समझते हैं कि जो यंग टैलेंट है हमारा दरबंद का, ये इंशाल्लाह प्रमोट होगा, आगे जाएगा इसकी इनकी काविशों से? इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमने देखा क्या है, इससे पहले एक टूर्नामेंट हुआ था उसमें सारे आउटसाइडर प्लेयर थे, कराची से, राहुल दिल्ली से, वो हमारे इलाके के टैलेंट को दबा रहा था। तो जिरगा पाकिस्तान ट्रस्ट की जो काविश है ये मुकामी टैलेंट को समझ ले कि एक मुकामी टैलेंट एंड प्रोग्राम आप इसको समझें, और इससे हमारा जो लोकल टैलेंट है ये ऊपर आ रहा है। और आपने देखा कितने ज़बरदस्त तरीके से जो है प्लेयर ने परफॉर्म किया है। थैंक यू सो मच जी हमें टाइम देने के लिए।